हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट पुडिंग केक। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। केक बनाने के लिए हम 1/4 कप कोकोआ पाउडर लेंगे, 3/4 कप मैदा लेंगे, 1/4 कप शुगर लेंगे और इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल लेंगे, आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं। मैंने 1/4 कप कर्ड लिया है। हम 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे। अगर आप कर्ड की जगह अंडा यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक बाउल में कर्ड, वेजिटेबल ऑयल, सुगर, सॉल्ट, ये मैंने 1/4 कप मिल्क ऐड किया हुआ है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है। ये मैदा है, अब मैं इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड मैं 2 पार्ट में मैदा को ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे लम्स ना पड़े। अब हम इसमें रिमेनिंग मैदा और कोकोआ पाउडर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ठीक है तो आप मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ मैंने 1/4 कप वाइट शुगर, 1/4 कप ब्राउन शुगर एंड 1/4 कप कोकोआ पाउडर लिया है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम 1/2 कप हॉट वाटर लेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड की है। अगर आप चाहें तो कॉफ़ी ऐड नहीं भी कर सकते हैं। तब तक हम अपने ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लेंगे। ये मैंने एक पैन को ग्रीस कर लिया है। आप कोई भी पैन यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम, नॉनस्टिक, कोई भी। ये मैंने केक बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे जिससे जो भी एयर बबल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ये इस तरह से। अब हमने ये जो शुगर का कोट बनाया था ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से इसको पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। अब हम इसके ऊपर जो हमने हॉट वाटर में कॉफ़ी ऐड करके मिक्सचर बनाया हुआ है ये डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें इसे 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक करना है। ये मैंने टाइमर सेट कर दिया है। 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा केक रेडी है। ये देखिए, इस तरह से ये बनके तैयार हो जाएगा। हमें इसको हॉट ही सर्व करना है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर ये एक
क्रंची लेयर आ जाती है जो हमने शुगर ऐड किया था उससे। ये देखिए, ये केक हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये जो हमारा चॉकलेट सिरप बना हुआ है ये ऐड कर दूंगी। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर मुझे ये आइसक्रीम के साथ में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसमें 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम ऐड करूंगी। ये हमारा चॉकलेट पुडिंग केक रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।